जो लोग आज भी मोदी जी पर उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं वे भारत के विकास के अवरोधक हैं, वे विकसित भारत के मार्ग के बैरियर हैं। हमें उस बैरियर को हटाना पड़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में एक सुरक्षित और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको कार्य करना होगा और इस दिशा में चुनाव महत्वपूर्ण है। इन चुनावों के लिए पब्लिक को बताना, क्योंकि यहां पे तीसरे चरण में चुनाव होंगे और तब तक गर्मी भी चढ़ चुकी होगी और बहनों भाइयों उस समय हमें किसी भी प्रकार की प्रवाह के बगैर मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जिन्हें भी अपना प्रत्याशी बनाया है उन प्रत्याशियों के पक्ष में अपना एक एक वोट पोल करने के लिए आम जनता जनार्दन को तैयार करना है। और ये हाथरस की तो अपनी पहचान है, दाऊ जी की तो भूमि है ही, साथ साथ हींग की खुशबू देश के अंदर भी जा सके वहां तक पहुंचाने के लिए अनुप वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए अपना प्रत्याशी बनाया है।